अभी तो फिलहाल सुरक्षा की दृष्टिकोण से, और चूंकि इसमें एक जांच भी, एक आईओ भी इसमें नियुक्त है, जांच भी हो रही है, एफआईआर भी दर्ज हो रही है, तो जांच भी ना प्रभावित हो सके, चूंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, पेट्रोकेमिकल प्लांट है। तो जैसे ब्लास्ट, आप जैसे जानते हैं कल ब्लास्ट हुआ, तो सुरक्षा के कारणों से उसको आंशिक रूप से सील कर दिया गया है, जिससे भी किसी प्रकार से संचालन ना हो पाए, जिससे लोगों को, चूंकि आसपास में आबादी भी है, जिससे किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसीलिए उसको उसके मद्देनजर ध्यान में रखते हुए उसको आंशिक रूप से सील कर दिया। अच्छा सर, जांच के लिए कोई और भी टीम आएगी बाहर से इस चीज़ के बारे में, जैसे धमाका हुआ है? देखते हैं, अगर कोई टीम आएगी तो जांच करेंगे, सहयोग किया जाएगा।